पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। जब उसका टीजर आया था हिंदी वर्जन जी, तो उसमें आपकी आवाज था। पुष्पा वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टीजर के बाद जो पहला ट्रेलर आया था दैट वाज नॉट इन माय वॉइस। ऐसे क्रिएटिव कॉल्स लिए जाते हैं, मुझसे पहले भी कोई अल्लू अर्जुन करता था, मेरे बाद भी कोई अल्लू अर्जुन की वॉइस करे, उसमें कुछ अलग करने का मौका मिलता है। मुझसे कहा जाता है कि यार ये बोलने के पैसे मिलते हैं, यार एक घंटा यू नो लगता है, या कभी कभी 10 मिनट में भी कोई आर्टिस्ट एक ऐड करके चला जाता है, पर वो 10 मिनट में वो काम करने के लिए उस आर्टिस्ट ने यू नो 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत की है। यहाँ पे किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम। मैं हूँ ह्यूमंगसॉर स्पाइडर मंकी। से कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। मेरा नाम राजेश है और मैं पहले बहुत मोटा था। जी हाँ, आपकी जिंदगी बदल सकती है स्टीम सोना बेल्ट। अरे छोटे ये क्या कर, मैंने पूरी फिल्म इस तरह से डब की है बिकॉज पूरी फिल्म में उसने ऐसे ही आवाज दी। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। हम तुमने इतने छेद करें, ये बहुत वल्गैरिटी की तरफ जाने वाली है लाइन अगर मैं इसे रोमांटिकली बोलूंगा। ये आलू कैसे दिए भैया? ये तो भैया डर के बोलता है जो चाहिए ले लो। हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड, दिस इज योर होस्ट शिवम शर्मा। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की फिल्में की बात की जाए तो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को माना जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, पर अगर बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो पिछले 5 से 7 सालों में साउथ इंडियन इंडस्ट्री का दबदबा रहा है। बट ये चीज एक इंडस्ट्री के बिना अधूरी थी, हमारी इंडिया की वॉइस इंडस्ट्री। और उसी वॉइस इंडस्ट्री के दिग्गज द क्राउन किंग इज हियर विद अस, प्लीज वेलकम सब तालियों के बीच में मिस्टर संकेत महाते। बहुत बहुत सर, नाइस टू मीट यू, रियली नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आई एम नर्वस फॉर ऑल्सो, एंड आई विल टेल यू व्हाई जी, बिकॉज आपका जब हमने इंटरव्यू फाइनलाइज हो गया एंड आई वाज रीडिंग ऑल अबाउट यू कि आपने क्या काम किया है। You worked for more than 50 years in this voice industry. Yeah, 50 to nahi, but 15 years. And 15 years in the voice industry, right? Uske alawa maine research ki ki jo South actors hain, jo hamare Indian ke actors hain, major jitne bhi actors hain leading, Allu Arjun, NTR Junior, Dhanush, Mahesh Babu, bahut sare aise actors ko aapne voice diya hai. So, first of all, congratulations. Bahut bahut. And directly dive in to the serious topic. I'll talk about Pushpa. जी. साल 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म, बीटिंग सूर्यवंशी फॉर इट। जब उसका टीजर आया था हिंदी वर्जन जी, तो उसमें आपकी आवाज थी, बट जब फिल्म आउट हुई ऑन द बिग स्क्रीन जी, तो उसमें श्रेयस तालपड़े वाज द वन हु डब्ड फॉर अल्लू अर्जुन जी। क्या हो गया इस दौरान, व्हाट हैपेंड? इसका सीधा सा जवाब है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस दौरान क्या हुआ, पर अगर इसमें डिटेल में बात करें तो होता यह है कि कई बार ऐसे क्रिएटिव कॉल्स लिए जाते हैं जो आइदर मार्केटिंग बेस्ड हैं या एक क्रिएटिव दृष्टिकोण से देखकर यू नो तय किया जाता है कि शायद कोई और एक्टर इस स्पेसिफिक फिल्म के लिए या स्पेसिफिक किरदार के लिए सूट होगा, या शायद किसी सेलिब्रिटी को रोप इन करने से क्योंकि ये पैन इंडिया रिलीज है तो उसके रिटर्न्स बेटर आएंगे, सेलिब्रिटी प्रमोशन से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नंबर्स पे, तो कई सारी वजह होती हैं इसकी और अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट तक वो वजह नहीं पहुंचती। जैसे कि आपने कहा था, जी हाँ, शुरुआत में मैं इसका हिस्सा था और टीजर मेरी आवाज़ में किया गया था, लेकिन उसके बाद ये एक स्टूडियो कॉल था बेसिकली, इट वुड हैव बीन अ डायरेक्शन थिंग, मार्केटिंग थिंग, मुझ तक वो बात नहीं आई, पर ये एक डिसीजन लिया गया था एंड they chose to go ahead with Shreyas Talpade and he's done a great job in the film, so I'm glad that the legacy of the whole Allu Arjun franchise you know remains and everybody's really enjoyed that performance as well. But jaisa ki maine kaha ki bahut logon ne mujhse pucha tha ki sir aapne kyun nahi ki ye film, or you know aapko karna chahiye tha, ab hum dekhenge nahi ye film, you know, and all that, but main un sabse pehle bhi keh chuka hu ki ye artist ke haath mein nahi hota, हमारा काम होता है कि या तो ऑडिशन दे दो और अगर आपकी आवाज़ सिलेक्ट हो जाए तो प्रोजेक्ट करो, या फिर आपको अगर बुलाया जाए किसी प्रोजेक्ट के लिए तो आप वो प्रोजेक्ट आकर रिकॉर्ड कर लो। हमारे हाथ में ये नहीं होता कि हम किसी प्रोजेक्ट को कह सकें कि ये हम ही से करवाओ या यू नो हम ये करना चाहते हैं किसी और से मत करवाइए, ये पावर नहीं है किसी आर्टिस्ट को, तो दिस प्योरली अ स्टूडियो प्रोडक्शन एंड कॉल, और जब वो इन्फॉर्म किया गया तो देन आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।
बट मुझे जानना है कि फिल्म जब टीजर आया जी फिल्म केम आउट कितने समय पहले वर यू अवेयर कि योर वॉइस इज नॉट गोइंग टू बी इन द फिल्म एंड इट इज गोइंग टू बी श्रेयस तालपड़े'स वॉइस आई एक्चुअली एंडेड अप रियलाइजिंग इट व्हेन द ट्रेलर केम आउट टीजर के बाद जो पहला ट्रेलर आया था दैट वाज नॉट इन माय वॉइस और तब की फिल्म की टीम से किसी ने भी कम्युनिकेट किया था आपको ये चीज और बाद में इन्फॉर्म किया गया कि दिस वाज अ लास्ट मोमेंट कॉल दैट वाज टेकन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बहुत ही लास्ट मोमेंट तक डब हो रही थी एज अ प्रोसेस और काफ़ी सारे कॉल्स बहुत ही यू नो लास्ट मिनट लिए जा रहे थे एंड इन दैट रश आई थिंक यू नो दैट होल प्रोसेस जनरली इट्स प्रीटी वेल इन्फॉर्म्ड और बताया जाता है आमतौर पर ये थोड़ा सा लास्ट मोमेंट हो गया था बट इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज फिल्म का रिलीज बहुत करीब आ रहा था एंड इफ दीज कॉल्स वर टेकन ओवरनाइट तो वो फिल्म की डबिंग उस तरह से करनी भी जरूरी थी एंड आई एम रियली ग्लैड कि यू नो उस कम वक्त में भी करके उन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है फिल्म को और इट्स साउंडिंग रियली ग्रेट बट As an artist yourself, जी आपने कहा कि 15 साल से ज़्यादा समय से आप इस इंडस्ट्री में हो तो ऐसी भी बात नहीं है कि आप एक न्यू कमर हो इस इंडस्ट्री में राइट तो यू हैव डब्ड अल्लू अर्जुन फॉर द फर्स्ट टाइम जी भी आपने कई फिल्मों में उनको आवाज दी है जो हिंदी सिनेमा के जो व्यूअर्स हैं साउथ फिल्में देखते हैं बिल्कुल वो आपकी आवाज जानते हैं और उसकी शक्ल पहचानते हैं जी तो वो हो जाता है तो डू यू थिंक इट मेक्स सेंस इन एनी वे कि आप एक आर्टिस्ट जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनके नजरिए से देखेंगे तो आपको ये हमेशा गलत लगेगा कि यू नो इतने सालों से फिल्में करते हुए आप एक उस एक्टर को भी एक सर्टन मुकाम तक लाए हैं आप खुद भी अपना काम इवॉल्व करते हुए उनके परफॉर्मेंस को और बेटर बनाते गए हैं हिंदी में और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया तो आपके हिसाब से या यू नो एक हार्डकोर फैन के हिसाब से ये बहुत गलत लगेगा बट एज अ प्रोड्यूसर के हिसाब से जहाँ मैं यू नो छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स करते करते अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ या यू नो एज अ डायरेक्टर के हिसाब से जहाँ मैं यू नो रीजनली इन फिल्म्स को रिलीज करते करते अब पैन इंडिया इसे रिलीज करने जा रहा हूँ देर इज ऑलवेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर तो उनके हिसाब से देर आर सर्टन कॉल्स जो उन्हें लगते हैं कि सही है क्योंकि ये बड़ी होनी चाहिए या इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है तो उसके रिटर्न वैसे आने चाहिए तो उनके हिसाब से एक फैसला लिया गया अब रही बात कि मुझे वही करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था देखिए किसी भी आर्टिस्ट का ये बहुत ही क्लियरली मानता हूँ मैं कि किसी भी आर्टिस्ट का जो आवाज़ जिस कैरेक्टर के लिए वो देते हैं उस पर हक नहीं होता ये एक प्रिविलेज है जो एज एन आर्टिस्ट मुझे मिला है एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वो मौका दिया गया है इससे पहले ये किरदार करने का मुझसे पहले भी कोई अल्लू अर्जुन करता था मेरे बाद भी कोई अल्लू अर्जुन की वॉइस करेगा एंड इट्स जस्ट अ प्रिविलेज कि मैं इन फिल्मों को आवाज़ दे पाया हूँ और यू नो लोगों ने उसे पसंद किया है वो उसे प्यार दे रहे हैं आगे भी अगर मौका मिला तो हम ज़रूर ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे बट मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा उस आवाज़ पर हक है हक तो किसी का किसी आवाज़ पर नहीं दैट्स अनफॉर्चुनेटली अगेन इन द इंडस्ट्री देयर इज नो सच थिंग एज एन ऑफिशियल वॉइस अनलेस अल्लू अर्जुन खुद कल कहते हैं कि नहीं संकेत ही मेरी सारी फिल्में करेगा देयर इज नो सच थिंग एज एन ऑफिशियल वॉइस ऑडिशंस होते रहेंगे फिर भले मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल काम करूं या 50 साल काम करूं ऑडिशंस तो होते रहेंगे और मैं ज़रूर उन ऑडिशंस में जाऊंगा बिकॉज मैं आवाज़ देना चाहता हूं आई वांट टू टेक अप अ चैलेंज ऑफ वॉइसिंग फॉर एन अल्लू अर्जुन फिल्म और अ जूनियर NTR फिल्म और अ धनुष फिल्म स्पेशली अगर वो फिल्म हटके हो या अलग हो सो अगर पुष्पा के लिए ऑडिशंस होते तो मैं उन ऑडिशंस में चला जाता डेफिनेटली एंड यू नो बिकॉज मुझे वॉइस करनी है तो उस वॉइस करने के प्रोसेस में जो भी प्रोटोकॉल है वो मैं फॉलो करूंगा डजंट मैटर कितना सीनियर हूं या कितने साल काम कर रहा हूं बट एज एन आर्टिस्ट वर यू हैप्पी वर यू सैटिस्फाइड और व्हाट वाज योर इमोशन आई एम आस्किंग वर यू हैप्पी और नॉट बिकॉज़ इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन बट आपके इमोशंस क्या थे जब यू गॉट अ कॉल देखिए मेरे लिए कोई किरदार जिंदा करना बहुत जरूरी है मेरे लिए ये उतना जरूरी नहीं होता कि वो किरदार कौन निभा रहा है एज एन एक्टर और वो मैं दिमाग में भी नहीं रखता हूँ कि कितना बड़ा एक्टर इसे प्ले कर रहा है क्योंकि अगर वो मैंने दिमाग में रखना शुरू किया तो परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी हमेशा मुझ पर एक अलग तरह का प्रेशर रहेगा कि इतना बड़ा एक्टर कर रहा है ये कुछ तो अलग इंस्टेड ऑफ दैट आई फोकस ऑन ये कैरेक्टर कैसा है उसका चैलेंज क्या है तो वो प्रेशर मुझ पर आता है तो इन दैट सेंस फ्रॉम अ क्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एन आर्टिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से कि हाँ पुष्पा वॉज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि उसमें कुछ अलग करने का मौका मिलता है बट नोइंग अल्लू अर्जुन आई नो ही विल पुश द एनवेलप अगेन एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आई विल गेट अ चांस अगेन टू ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट दैट ही इज डूइंग इन फ्यूचर फिल्म्स एंड यू नो दैट्स गुड इनफ एंड देयर आर अदर एक्टर्स दैट आई एम आल्सो वॉइसिंग फॉर सो इट्स अ जर्नी दैट कीप्स हैपनिंग मेरे लिए वो चैलेंज ज्यादा जरूरी है ना कि कौन उसे वॉइस कर बट सर पुष्पा का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ है जी फ्लावर रिंग तो हमारे कैमरे पे देख के योर वॉइस पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या
फ्लावर नहीं फायर है मैं। हाय हाय तालियां तालियां थैंक यू मालिक माई जी। You given your voice for the first time to Thalajit. Thalajit sir. The superstar Ajit sir. बिल्कुल. Sir, ये process कैसा था? Because पहली बार आपने आवाज़ दी है उन्हें. And आपने मुझे बताया कि थोड़े से you know you were not you were surprised. Correct. जब आपको खुद को information मिली कि you are voicing for him. जी. क्या था वो news? Because the film has been a blockbuster. जी. First day पे मैंने article पढ़ा 71 करोड़. जी. और जी. Tell us something about it. So, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था एक्चुअली। जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए और मुझे कुछ क्लिप्स दिखाए गए, आई अज्यूम्ड ऑटोमेटिकली कि विलन के रोल के लिए मुझे ऑडिशन करना पड़ेगा बिकॉज ही वॉज मोर ऑफ माई एज माई जोन और यू नो। बट मुझे बताया गया कि थला अजीत सर के लिए आपको ट्राई करना है एंड इट सरप्राइज मी। मैंने उनको इनफैक्ट क्लियरली माई फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज यार मेरी मैं वॉइस ही नहीं करता हूँ इनके लिए। बहुत यू नो इट्स अ सर्टन एज इट्स अ सर्टन मैच्योरिटी इट्स अ सर्टन बेस दैट इज रिक्वायर्ड एंड दे सेड कि हम एक ऑडिशन प्रोसेस कर रहे हैं बिकॉज वी ट्राइड आउट अ कपल ऑफ अदर आर्टिस्ट जो हमें लगता है कि वॉइस मैच थे बट हमें जो परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है। एक सर्टन कमांडिंग परफॉर्मेंस चाहिए हमें जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है एंड हम उस परफॉर्मेंस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आवाज़ हम यू नो वी कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू और वो प्रोसेस से हम एक आवाज़ फिक्स कर लेंगे उसमें भले थोड़ा सा वक्त चला जाए तो भी हमें कोई यू नो वी डोंट हैव एन इश्यू विद दैट। पर हम परफॉर्मेंस एक सर्टेन टाइप का चाहते हैं और वो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो प्लीज़ यू नो कैन यू ऑडिशन फॉर इट। तो मैंने जब ऑडिशन दी तो उसकी प्रोसेस में यू नो काफ़ी वक्त लगा। वो एक सर्टेन काइंड ऑफ वॉइस का टेक्स्चर था जो निकलवाने के लिए मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी बट आई एंजॉयड दैट प्रोसेस और कुछ एक दो घंटों के बाद वो आवाज़ पकड़ी हमने और फिर उसकी कुछ लाइंस रिकॉर्ड करके रखी गई एज अ रेफरेंस और फिर करीब 4-5 दिन के प्रोसेस में हमने वो फिल्म पूरी की। तो अगर आप सुनेंगे भी ट्रेलर या फिल्म भी अगर आपने देखी होगी तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वॉइस फ्रॉम व्हाट आई जनरली गिव और मेरे लिए खुद कन्विंसिंग नहीं था बट जैसे जैसे प्रोसेस होता गया एंड यू नो देन इट स्टार्टेड साउंडिंग मतलब जब 2-3 सीन्स अलग अलग इमोशंस के हुए फिर आई रियलाइज कि हाँ ये एक सर्टन आवाज़ अब बन गई है। दिस इज नॉट द रेगुलर you know sanket voice that I generally do is a slightly different thing or and then as an artist it's really enjoyable jab aisa kuch hota hai ki aap you know ek thoda sa boundary aur push kar dete ho apne craft ki and so it was really satisfying at the end of it and I'm glad ki itna acha response mil raha hai logo amazing response I'm very happy about it but aisa kabhi hua hai ki film complete ho gayi hai ji it's out it's doing well to uske baad jo actual actors ki aapne voice di thi ji उन्होंने कभी हिंदी में मेरी आवाज वाली उनके कैरेक्टर की कोई फिल्म देखी है तो उन्हें वो कैसी लगी या यू नो इज देयर अ सजेशन जो वो देना चाहते हैं कि यू नो मैंने ये सुना और तुमने कुछ ऐसा किया था या तुम ऐसा कर सकते थे या यू नो दैट समथिंग दैट आई कैन इनकॉर्पोरेट बट वैसी कोई बात हो नहीं पाई है। देर हैव बीन इंस्टेंसेज जहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेटफ्लिक्स शो किया था टाइटन्स करके तो यू नो उसके एक्टर एलन रिचर्डसन को मैसेज किया था तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। आई हैव स्पोकन विद जो बेन 10 फॉर एग्जाम्पल मैं वॉइस करता हूँ। आई हैव हैड अ वर्ड विद यूरी लोवेंथल जो उसके ओरिजिनल वॉइस एक्टर हैं सो ही वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज वो खुद जापानीज टू यू नो इंग्लिश डब करते हैं एंड देन उनकी आवाज़ से इंग्लिश में हिंदी मैंने डब किया था। सो देर हैव बीन इंटरेस्टिंग यू नो कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव हैड विद सर्टेन आर्टिस्ट बट अगर स्पेसिफिकली साउथ टू हिंदी के हीरोज की बात करें तो अब तक ऐसा मौका नहीं आया। बट एज अ वॉइस आर्टिस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब एक्टर और एक्ट्रेस को किसी को स्क्रिप्ट मिलती है दे अंडरस्टैंड द स्टोरी दे अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई दिस एक्टर इज सेइंग लाइक दिस। यू बीइंग अ वॉइस एक्टर जब आप किसी की आवाज़ देते हो हाउ डिफिकल्ट या फिर कितने लंबे समय लगता है आपको उस वजह को समझने के लिए जिसकी वजह से वो इमोशंस के साथ में वो डेवलप करते हैं। ये जब ये पॉइंट आता है अक्सर तो और जब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि एक इतना क्रिटिकल प्रोसेस होता है वॉइसिंग का स्पेशली एज अ वॉइस आर्टिस्ट। जब आप एक स्टूडियो में जाते हैं तो आपको डायरेक्टर से एक 10 या 15 मिनट की ब्रीफ मिलती है फिर आपके हाथ में स्क्रिप्ट थमा दी जाती है और आप माइक्रोफोन के सामने खड़े रहकर लाइंस बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक 20 मिनट का प्रोसेस है जहाँ पे आपने एंटर किया आपको फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया आप कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया शायद उसका इमोशनल ग्राफ एक्सप्लेन किया गया आपके हाथ में स्क्रिप्ट थमा दी गई और आप फर्स्ट सीन देखना शुरू कर दें। ना आप पहले वो फिल्म देख पाते फॉर कॉपीराइट रीजंस ना आपके हाथ में पहले स्क्रिप्ट आती है
फॉर कॉपीराइट रीजंस, आप इंस्टेंटली वहीं जाकर खड़े रहकर इमीडिएटली वो फिल्म पहली बार अगर आपने पहले देखी भी ना हो या यू नो इफ इट्स अ पैन इंडिया रिलीज सो यू हैव नॉट सीन द फिल्म बिफोर आल्सो, तो आप साइमल्टेनियसली पहली बार उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और आप साथ ही साथ हीरो की लाइंस मैच करके बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं. तो ऑन अ टेक्निकल लेवल इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट बिकॉज एज एन एक्टर वो शायद सेट पे उस चीज की रिहर्सल करके गए थे, उनके को एक्टर्स साथ थे, कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रॉप्स हैं हाथ में, गाड़ियां एक्चुअली उड़ रही हैं, आप देख रहे हैं उन्हें उड़ते हुए, यू नो द फीलिंग इज देयर, को एक्टर्स रो रहे हैं आपके सामने, यू नो यू आर क्राइंग एंड यू नो इट्स अ इमोशनल ब्रेकडाउन, सारा माहौल बना हुआ है. एज अ वॉइस आर्टिस्ट मैं एक पोडियम के सामने हूँ, वहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है, एक इंजीनियर बोल रहा है सर थोड़ा सा थ्रो और दीजिए, थ्रो नहीं, यू नो यू आर हियरिंग दिस, एक इमोशनल सीन है, यू नो शायद यू नो आपके पिताजी गुजर गए हैं, यू क्राइंग देयर लाइक सर इसमें थोड़ा सा और फील चाहिए, यू नो ऐसी लाइंस आपको कान में सुनाई दे रही है, ओरिजिनल सुन रहे हैं आप. सो इट्स अ क्रिटिकल प्रोसेस एंड यू नो जब मुझसे कहा जाता है कि यार ये बोलने के पैसे मिलते हैं, सिंप्लीफाई करने के हिसाब से जब कहा जाता है कि यार बोलने के पैसे मिलते हैं, बट वो कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या समझना पड़ेगा. सो एंड स्पेशली इन टूडेज टाइम्स सिंस द राइज ऑफ OTTs या अब साउथ टू हिंदी की भी अगर हम बात करें तो इतने रैपिडली प्रोजेक्ट्स आते हैं कि आपके पास उतना वक्त नहीं होता कि आप यू नो बैठ के फिल्म देखें फिर समझें उसे और फिर कल आके मैं डब करूंगा. दैट्स नॉट द केस. 15 मिनट में यू आर ऑन द सीन, 15 मिनट में यू फिनिश्ड एन इमोशनल सीन, यू स्टार्टेड अ कॉमेडी सीन, वो हो गया, एक्शन सीन शुरू हो गया, यू नो यू आर फिनिशिंग प्रोजेक्ट्स इन 2 days, 3 days, यू नो जो चीज़ करने के लिए शायद 6-8 महीने लग गए हों वो आप 2 या 3 दिन में, कभी कभी 1 दिन में भी खत्म करके यू नो स्टूडियो से निकल रहे हैं. एंड देन टू काइंड ऑफ यू नो मेक श्योर कि कहीं वो क्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, कहाँ कहीं यू नो गलतियाँ या यू नो उस पे ध्यान रखकर इम्प्रोवाइजेशन करके. सो इट्स अ ट्रेमेंडस प्रोसेस एक्चुअली एंड विच इज ऑल्सो वाई इट्स सो क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग कि वो कर लें आप तो फिर उसके बाद यू लाइक ओके हो गया, नाउ आई कैन यू नो दिस वॉज ग्रेट, completely I'm satisfied with what I've done. So which is something that people need to understand before they venture into the industry. ye samajh lo pehle, you know, jise dekh lo kisi process karte ho, kyunki phir kai log hote hain jo aa jate hain and then they try it out aur wo bahut overwhelming lagta hai, ye nahi ho payega, and then they kind of which was something that agar wo practice karke aate to shayad they would have been in the long run. To jab main batau ya jab aap dekho ye to pehle bahut daravna sa lagta hai, but dheere dheere wo process samajh kar jab aap karna shuru kare to you know थिएटर वगैरह बहुत हेल्प करता है ऐसी चीजों में, क्वाइट टेक्निकल. जैसे कि आपने कहा कि लोग जो बोलते हैं कि आपको तो बोलने के पैसे मिलते हैं जी, तो वैसे ही लोग बहुत सारे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें 3 pros और 3 cons बताएं. अच्छा, the voice industry, which is like really important for people to know. Pros and cons तो मुझे पता नहीं, but I will tell you certain things that kind of I have kind of experienced over the past few years. There is a certain group of people जो लोग जिनके दोस्त या रिश्तेदार उनसे कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप voice artist बन जाओ. Unfortunately कई सालों से voice artist क्या होता है या क्या करता है ये चीज़ें you know पता नहीं होती. तो मैं अपने रिश्तेदार मुझे पूछ रहे थे कि क्या करते हो, एंड मैं कहता था कि वॉइस ओवर्स करता हूँ, चलिए वो ठीक है पैसों के लिए क्या करते हो या नौकरी कहाँ करते हो, वो तो करते रहोगे बट यू नो नौकरी. सो लोगों को ये बहुत देर से समझ में आ रहा है कि वॉइस आर्टिस्ट अपने आप में एक फुल टाइम करियर हो सकता है. सो वो एक अनफॉर्चुनेट कॉन था इंडस्ट्री का कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी. थैंकफुली अब यू नो चैनल्स लाइक योर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल जिससे पता चलता है कि हाँ ऐसा कोई होता है जो यू नो वॉइसिंग करता है. उसके अलावा एक कॉन ये होता है कि लोगों को लगता है फिल्म डबिंग इज दी ओनली थिंग. वॉइस ओवर्स एक ह्यूज फील्ड है. शायद आप इस बिल्डिंग में आते आते आपने लिफ्ट में कोई आवाज़ सुनी होगी, थर्ड फ्लोर, वो थर्ड फ्लोर एक वॉइस आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड किया है. आपने ट्रेन में अनाउंसमेंट सुनी दादर स्टेशन, यू नो वॉइस आर्टिस्ट की अनाउंसमेंट है. फ्लाइट्स में आप सेफ्टी अनाउंसमेंट सुनते हैं, बैंक्स को फोन करते हैं तो एक IVR होता है. ये सब कुछ वॉइस ओवर से रिकॉर्ड किया जाता है. कॉर्पोरेट्स में प्रेजेंटेशन होते हैं, डिस्कवरी पे शोज होते हैं, कार्टून शोज होते हैं, फिल्म होते हैं, ऑडियो बुक्स होते हैं. सो दिस इज अ वास्ट फील्ड. तो जब कोई आपसे कहता है कि आवाज़ अच्छी है जाके फिल्म डब कर लो या यू नो बोलने के पैसे मिलते हैं, यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रोसेस क्या है. तो कौन ये भी है कि लोग अपने आप पर काम नहीं करते, उन्हें सिर्फ लगता है कि आवाज़ अच्छी है तो मेरा काम बन जाएगा. The base that you require to do any kind of voiceover is to have a mastery over that language. अगर आप तमिल में आवाज़ दे रहे हैं, तेलुगु में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, मराठी में दे रहे हैं, उस भाषा का ज्ञान होना, उसे लिखना पढ़ना, तेज़ी से पढ़ना, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो देवनागरी में ना लिखा हो, अंग्रेजी में लिखा हो तो भी पढ़ना, ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है. थिएटर एक्सपीरियंस एसेंशियली अगर आप वॉइस एक्टिंग की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि पलक झपकते ही एक सीन चेंज हो रहा है, पूरा इमोशन चेंज हो रहा है. अगर खड़े खड़े वो इमोशन आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं या यू नो उतने कन्विंसिंगली नहीं कर पा रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस हैम्पर होगा.
तो परफॉर्मेंस हैम्पर ना होने के लिए लैंग्वेज एकदम आपकी सटीक होनी चाहिए और वो तभी होगा जब आप उस पर काम करेंगे। सो देयर आर सर्टेन मिथ्स जो इंडस्ट्री में है कि यार बहुत आसान काम है, 10 मिनट कर लेते हैं फिर इतने पैसे मिल जाते हैं। ऐड तो यार 30 सेकंड की होती है यार, कितना ही टाइम लगता होगा यार, 1 घंटा यू नो लगता है, या कभी कभी 10 मिनट में भी कोई आर्टिस्ट एक ऐड करके चला जाता है। पर वो 10 मिनट में वो काम करने के लिए उस आर्टिस्ट ने यू नो 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत की है, तभी वो यू नो मैं कुछ अगर किसी कहूँ कि 8 घंटे में एक फिल्म कभी कभी हो जाती है, अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, डायरेक्टर बहुत यू नो मजे हुए डायरेक्टर हो, एकदम अच्छी से लिखी स्क्रिप्ट हो सिंक वाइज, तो कभी कभी 6-8 घंटों में भी फिल्म निकल जाती है, बिकॉज यू कम्प्लीटली ईजी हो जाता है प्रोसेस, डायरेक्टर भी ऑन पॉइंट है, क्विक रिएक्शंस मिल रहे हैं, फिल्म में परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, तो 6-8 घंटों में फिल्म हो जाती है, तो इतने पैसे कमा लेते हो यार तुम तो ये तो। बट वो 6-8 घंटे में कर पाना एक प्रोसेस था जो 15 साल के बाद यू नो कहीं से घिस घिस के इवॉल्व होते होते सीख पाया। सो दीज आर थिंग्स, सो आपको खुद को वक्त देना बहुत जरूरी है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि 6 महीने 1 साल 2 साल खुद पर काम कीजिए, खास तौर पर अगर आप मुंबई जैसे शहर में काम करना चाहते हैं, यहाँ पे किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं, कोई आपको प्यार से बैठ के बिठा के समझाएगा नहीं, बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको यू नो एजुकेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग। यहाँ पे इतनी जल्दबाजी होती है काम के बारे में कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस ना दे तो शायद आपको दूसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। सो यू हैव टू ऑलवेज कम एंड प्रिपेयर्ड, बट अगर आप एक बार यू नो कमर कस लें और तैयारी करके आए तो देर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन यू नो डूइंग वॉइस ओवर्स एज अ लिविंग। इट्स अ ब्यूटिफुल क्राफ्ट और डे इन डे आउट मुझे आज भी उतनी एक्साइटमेंट होती है जितनी 15 साल पहले होती थी इसे करने। सर आपने हमारा बचपन मित्र बनाया बेन 10 कार्टून जी, जो लोग जानते नहीं है द ग्लोबली पॉपुलर कार्टून सीरीज बेन 10, जो उसमें बेन 10 कैरेक्टर की वॉइस है और जो बेन 10 के 10 अवतार्स है अवतार है उनकी भी वॉइस है, संगीत सर आप ही ने दिए जी। और उसका किस्सा ये है कि मैं एक्चुअली विलन के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, और विलन के ऑडिशन देने के बाद उन्होंने कहा था यार तुम एक बार ना थोड़ी सी बेस हटा के बेन की भी आवाज ट्राई कर लो, हमें लगता है कि शायद यू नो। तो मैंने हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम, ऐसा कुछ ट्राई कर लिया है, बेन वाला ऑडिशन सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही मैंने बेन करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक ओमनीट्रिक्स पहनता है, उस पर क्लिक करता है तो एलियन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 10 एलियंस थे फर्स्ट सीरीज में, और ये टीनेज बेन था, जो बचपन वाला बेन था वो कोई लड़की का था, और टीनेजर बेन से मैंने शुरुआत की। और तो मैंने पूछा कि ये 10 एलियंस कैसे करवाओगे, तो बेन ही है जो एलियंस में कन्वर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा हम 3-4 अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट बुलाएंगे, तो मैंने कहा यार मैं ट्राई कर लेता हूँ, बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड, और शुरुआती दिन थे करियर के, और मैंने बोला कि यार मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो पाता है तो मुझे बता दीजिए, 1-2 एलियंस मैं कर लूँगा। सो ट्राई करते करते सारे 10-10 एलियंस फिर यू नो आई एंडेड अप डू वॉइसिंग फॉर ऑल ऑफ देम, थोड़ी सी ट्रीटमेंट, थोड़ा सा वॉइस टेक्सचर मॉड्यूलेशन वगैरह करके, सो समथिंग लाइक मैं हूं ह्यूमंगसॉर स्पाइडर मंकी बिग शेट, तो ऐसे अलग अलग टेक्सचर्स के फिर वो एलियंस बनते गए और फिर वो क्रिएट हुआ। एंड तब मुझे भी एक मौका मिला एक्सप्लोर करने का अपनी रेंज, वरना इतनी एक्सपेरिमेंट मैं तो नहीं शायद करता कभी। तो बेन 10 वाज वन ऑफ दोस यू नो रियली बिग स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, और अब आई थिंक हाल ही में वो फिर से टेलीविजन पर आना शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने जैसे कि आपने कहा कि यार बचपन में मेरा सर मैं वही शो देखता था, यू नो स्कूल से आता था या यू नो व्हाटएवर, एंड बहुत सारे लोगों के मैसेजेस फिर से आना शुरू हो गए। तो बात वही होती है कि अगर आप अच्छा काम कर लो एक बार लाइफ में ना, तो वो रिकॉल होते रहता है, लोग याद करते रहते हैं। दैट इज वेरी एज एन आर्टिस्ट आई थिंक वो मेरे लिए बहुत सैटिस्फाइंग चीज़ है कि आप बोलो मुझे कि 10 साल बाद ही मिलो, सर वो स्कूल में था ना मैं तब आपने वो एक आवाज़ दी थी मुझे, सो दैट इज इमेंसली सैटिस्फाइंग कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ लाइफ में, इज व्हाट दैट गिव्स मी। बट सर ऐसे होता है कि जैसे कि कॉमेडियंस होते हैं जी, मैंने टेल पीपल की दे कॉमेडियन, लोग कहते हैं कि हंस के दिखाओ, सॉरी जोक बोल के दिखाओ, हंसने जाते आप, यू नो यू हैव गिवन वॉइस टू सो मेनी कार्टून कैरेक्टर्स, रियल आर्टिस्ट, लोग मिलके बोलते हैं उसकी आवाज से करके बनाना जरा, ऐसे होता है कई बार होता है कि यू नो या तो अल्लू अर्जुन सर का कोई डायलॉग सुना दो, या कई बार होता है कि यार पापा को बोलना है मुझे कि यू नो ये कहीं फंस गया है व्हाटएवर, तो मेरे बॉस की आवाज़ निकाल दो, या सो ऐसे रैंडम, हाँ तो दोस्तों वोस्तों के किस्से होते हैं कई बार कि रैंडम आवाज़ें निकाल के बात कर लो, या किसी स्टार अल्लू अर्जुन सर का एक डायलॉग वो वाला डायलॉग है, यू नो कोई उनका कोई वो लेके आते हैं और फिर दिल वो वाला डायलॉग सुना दो यार, या पार्टीज वगैरह में मैं सो एक प्रोसेस था शुरुआत में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, सो देयर वाज मुझे कोई नॉलेज नहीं था इंडस्ट्री का कैसे काम करता है ये सारा कुछ, और ना कोई कॉन्टैक्ट्स थे, तो मैं सब कुछ सीख रहा था, मैंने क्राउड्स में डबिंग की, मैंने
छोटे छोटे कैरेक्टर्स डब किए हैं, मैंने टेलीब्रांड कमर्शियल्स किए हैं, तो जो जो दोस्त हैं जिन्हें पता है कि मैंने टेलीब्रांड कमर्शियल्स किए हैं किसी को, तो वो फिर खड़े होके फिर ग्रुप में ये टेलीब्रांड करके दिखाएगा, यू नो, एंड दे विल बी लाइक मेरा नाम राजेश है और मैं पहले बहुत मोटा था. सो वो एक जो दौर था जब मैंने वो भी किया था, तो यू नो वो करके दिखा. सो वो होता ही है कई बार, यू नो. और जी हाँ, आपकी जिंदगी बदल सकती है स्टीम सोना बेड. सो वो सब यू नो इट्स अ बट आई डोंट यू नो बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं उस चीज का, बट आई फाइंड इट समथिंग दैट यू नो दैट एक्चुअली हेल्प मी. मतलब उससे फिर मैंने और कुछ कैरेक्टर्स तैयार किए, फिर रेडियो में कभी एनिमेशन में कभी उस आवाज को इस्तेमाल कर लिया. जैसे अभी भोले करके एक कैरेक्टर था, हम हाल ही में कर रहे थे सीरीज, एनिमेटेड सीरीज है उसमें. अरे छोटे ये क्या कर. सो यू नो यू कैन यूज दोज वॉइसेस समवेयर एल्स. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बन ही जाता है. तो होता ही है अक्सर, जिनको पता है कि कौन सी वॉइस की है तो वो खड़े रह के फिर अरे करके दिखा यार, सबको करके दिखा. दैट हैपेंस ऑल द टाइम. तो आपका जैसे कि पुष्पा रिलीज हुई है, डेडपूल की भी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट डेडपूल की आवाज आप थे, देन द सेम थिंग हैपेंड जी द सेकंड फ्रेंचाइजी में जी वाज रिप्लेस्ड बाय अ सेलिब्रिटी जी. ओके, समटाइम्स यू फील नाउ कि इट इज गुड दैट इट हैपेंड, क्योंकि उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पुष्पा जब फाइनली वेंट आउट इन श्रेयस तलपड़ेस वॉइस जी, उसके बाद इतना सारा रिकॉग्निशन मिल रहा है स्पेसिफिकली फॉर वॉइस इंडस्ट्री जी. ऑफ कोर्स ही इज डन अ गुड जॉब, करेक्ट, बट जो लोग आपको पसंद करते हैं जी, जो स्पेसिफिकली आपकी आवाज से लोग उनको पहचानते हैं, डायलॉग देखते हैं जी, दे आर लविंग यू एंड दे मिस यू. So do you think it is good in that manner? देखिए, from an artist perspective, मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि एक you know किसी artist का काम replace करके किसी और को जाना is going to be considered good from an artist perspective. What I do consider good is the fact कि अब social media के onset की वजह से लोग अपने opinions place कर पाते हैं और हर कोई उन opinions को पढ़ पाता है. तो हुआ ये कि जब यू नो ये डेडपूल की अगर हम बात करें, तो जब वो सेकंड प्रोजेक्ट किसी और सेलिब्रिटी को गया, तो बहुत सारे लोगों ने ओपनली यू नो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, या यू नो दे केम आउट सेइंग कि व्हाई हैव यू रिप्लेस्ड इट, बिकॉज अगर ऐसा भी होता कि इफ दे डिड नॉट लाइक द प्रीवियस परफॉर्मेंस, तो शायद फिर इतना यू नो chaos नहीं होता second film के time. But the first one became a cult hit. हाँ, and honestly speaking, ना team ना हम expect कर रहे थे कि इतना बड़ा हो जाएगा ये project. क्योंकि हमने जब हमें वो film थमाई गई थी, तो it was as an experiment. एक R rated super hero कैसे चलेगा यार, मतलब ना families के साथ आप देख सकते हो super hero film है, पर you know क्या करोगे इसका, और फिर से इंडियनाइज कैसे करोगे, इसके जोक्स तो इतने पॉप कल्चर बेस्ड हैं, या यू नो इतने नीश रेफरेंसेस हैं, उसको हिंदी में क्या ही करेंगे. तो करके देख लो, इट वाज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. फिर करके देख लो के चक्कर में फिर द राइटर डायरेक्टर यू नो मैं वो हम इंजीनियर हम सब वो इम्प्रोवाइज करने लग गए, फिर एक के बाद एक जोक्स बनते गए. तो लिटरली वो एक फिल्म की रील, चार रील्स हैं हमारे पास, जिसमें यू नो हर लाइन के लिए चार अलग अलग जोक्स हैं, फिर उसमें से कौन सा ज्यादा फनी लगता है वो वाला रख लो करके, फिर वो फिल्म बनी है. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट मेकिंग दैट फिल्म. And then you're looking forward to the next one because you're like कि ये मजा आ गया यार ये करने में, you know the kind of appreciation that you got. Now you're like अब मैं इसके you know let's do 10 times better than this. And then you know you understand कि again there's been a marketing call या कोई you know decision लिया गया है. Unfortunately it's not in your hand. But जैसे कि हम बात कर रहे हैं social media की वजह से, अब fans openly you know they've come out in support of artists. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है. Maybe it's been projects that have been really big or you know जो सबकी नजर में आ गए, but ये बहुत सारे artists के साथ कई बार हो चुका है जहाँ you know उन्हें replace किया जाता है for whatever reasons. पर the great part now is it's amazing for us artists to get a direct feedback saying कि sir हमें आपकी आवाज़ चाहिए थी, हमें बहुत बुरा लग रहा है, या सर शायद हम ये फिल्म नहीं देखेंगे, या यू नो अगली बार प्लीज सर कोशिश कीजिएगा आप ये फिल्म करें, यू नो आपके बिना मजा नहीं आता. सो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं, तो एज एन आर्टिस्ट यू आर लाइक कि लेट्स यू नो पीपल आर वॉचिंग, पीपल आर यू नो दे आर लाइकिंग इट और दे आर नॉट लाइकिंग इट. अगला काम जो भी करना है बहुत ढंग से करना, यू नो यू एज एन आर्टिस्ट यू आर मोटिवेटेड टू डू बेटर वर्क. तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज उभर कर आई है कि वॉइस आर्टिस्ट वॉइस इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है, काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, बिकॉज जो एक्चुअल फैंस हैं जो वो फिल्में देखते हैं या थिएटर्स वगैरह में भी पैसे डाल के वो टिकट्स लेकर डब फिल्म्स देखते हैं, उन्हें फिर एक सर्टन क्वालिटी और एक सर्टन स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड. जब वो कहते हैं कि हम इतना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देन वी एक्सपेक्ट अ सर्टन क्वालिटी, अ सर्टन वॉइस और अ सर्टन, तो वो क्यों नहीं दे रहे हो आप, व्हाई आर यू चेंजिंग इट, व्हाट इज दिस क्राइटेरिया. आप यू मेकिंग ट्राइंग टू मेक इट इन टू प्रोजेक्ट जो शायद वो लोग देखने ही नहीं आए जो उनके फैंस हैं उस सेलिब्रिटी के. नाउ थैंकफुली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पुष्पा, ही इज डन अ ग्रेट जॉब एंड इट्स साउंडिंग रियली नाइस.
But like I said, regardless of if the project has been done well or not well, audience support mil raha hai voicing industry ko, and that's an amazing thing. As an industry, I think that's making sure that hum log, we are coming into the front, and right. It's very important that we do, because there are a lot of numbers that have started changing because of the dubbing industry. Right. Teen aise log, India ke and international, you want to give your voice for? I want to give my voice for, acha. Aapki jo bucket list hogi, agar एक जरूरी कैरेक्टर था बकेट लिस्ट पे जो कई सालों से पेंडिंग था. मैंने कई सुपर हीरोज के लिए वॉइस दी है, पर बचपन से देयर हैज बीन अ प्रोमिनेंट सुपर हीरो, देयर हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट, व्हिच वाज बैटमैन. सो फाइनली अब यू नो करियर के 16वें साल में आई एम गेटिंग अ चांस टू, बट हमेशा यार बैटमैन के लिए बहुत थैंक यू. सो बैटमैन के लिए अनफॉर्चुनेटली इट वाज ऑलवेज दिस यू नो मस्कुलर बीफी लोग होते थे एकदम, Ben Affleck and Christian Bale. तो उनकी वॉइस जैसा कि मैंने कहा कि वो मुश्किल है वो वॉइस टोन मैच करना. They've been brilliantly voiced by you know Samai Ji and you know lot of other voice artists. तो अब इस बार Robert Pattinson आ गया, thankfully there was an audition and I was like मैं जाके खड़ा हो रहा हूँ line में audition के, because I want to try out. अगर ना भी हो पाए तो at least to be able to stand in an audition and we deliver a line saying कि मैं इंतकाम, you know the whole you know the aura of Batman. सिर्फ आर्टिफिशियली भी कर लूँ ऑडिशन में भी तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, एंड थैंकफुली दैट ऑडिशन आई वाज एबल टू क्रैक इट एंड यू नो प्रोजेक्ट आ रहा है. सो दैट वाज वन दैट वाज ऑन माय बकेट लिस्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. इसके अलावा देयर इज दिस अदर थिंग दैट आई हैव ऑलवेज काइंड ऑफ यू नो ड्रीम्ड ऑफ डूइंग, व्हिच वाज की वर्क विद समबडी लाइक अ पिक्सार और अ डिज्नी ऑन एन ओरिजिनल फिल्म एंड ट्राई टू क्रिएट अ कैरेक्टर. अक्सर हम बहुत सारे रूल्स से बाउंड हो जाते हैं जब एक ओरिजिनल कैरेक्टर को आप डब करते हैं, फिर आपका परफॉर्मेंस उस कैरेक्टर के परफॉर्मेंस पर वो कहाँ बोला है कहाँ रुका है वहीं आपको बोलना है रुकना है, तो दीज आर रूल्स जिससे आप बाइंड हो जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ओरिजिनल कैरेक्टर को क्रिएट करने में एनिमेटेड कैरेक्टर को क्रिएट करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस ऑल्सो और अपनी तरह से वो आवाज़ क्रिएट करने की. सो दैट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट हैव ऑलवेज बीन ऑन माई बकेट लिस्ट. And iske alawa the third thing always remains any challenging project that I have not tried as of now in terms of my voice, which was something like a you know a Balame for example, kyunki jo hamesha main khud ko chauka do thoda sa ki acha ye bhi hum kar sakte the koi koshish. So that is something that will always be my third thing, which is challenge yourself with whatever voice that comes. But as a specific actor, me you want to give voice? Not really. I'm really open to voicing for anybody and everybody as long as they've done something. अरे यार ये तो वॉइस करना है, सो दैट हैपेंस व्हेन यू सी दैट एक्टर. सो फॉर एग्जांपल ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक व्हेन यू सॉ पुष्पा एंड यू आर लाइक दिस इज यू नो दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही डज यू नो रेगुलरली और द लैंग्वेज ही स्पोकन द मैनरिज्म दैट ही हैज, देन यू आर इन योर हेड थिंकिंग कि यू नो आप सोचते हो कि अच्छा इसके लिए क्या कर सकते हैं यू नो या एंड आई लव द फैक्ट दैट उन्होंने मराठी थोड़ा सा लहेजा लाया बिकॉज ही स्पोकन अ डायलेक्ट फ्रॉम यू नो. तो वो सारी चीजें करने में ना वो प्रोसेस में मतलब लाइक डीजे फॉर एग्जांपल जब मैंने देखी थी या तो डीजे वाज अगेन यू नो सडनली पंडित जैसा बात कर रहा है और फिर सडनली ही इज एन असैसिन एकदम स्मूथ बात कर रहा है, तो स्विच ओवर जो करना है एंड तो वैसे जब प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो देन दैट एक्साइट्स मी मोर. सो जैसा कि मैंने कहा वो एक्टर अगर मैं पकड़ना शुरू करूँ कि अरे यार मैं सूर्या जी के लिए कर रहा हूँ या अल्लू अर्जुन जी के लिए वॉइस कर रहा हूँ, फिर वो प्रोसेस परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करने लगेगी. वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी मैं बहुत पसंद करता हूं उन्हें, बट वो एज अ वॉइस आर्टिस्ट जहां स्टूडियो से बाहर हूं एज संकेत, बट एज अ वॉइस आर्टिस्ट मेरे लिए वो कैरेक्टर ज्यादा जरूरी है. बट वॉइस इंडस्ट्री में ऐसा जैसे कि नॉर्मल बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने बहुत बार सुना है कि एक्टर एक्ट्रेस मजाक में बोलते हैं कि यार मेरी फिल्म में 100 करोड़ कर लिया, तो आपकी ऐसे इंडस्ट्री में मजाक बोल करते हैं कि यार मेरी फिल्म में 100 करोड़ कर लिया भाई माय फर्स्ट डे 71 करोड़. वो तो मैं अभी जाके बोलूंगा जब आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, बट जनरली सो मजाक मस्ती तो बहुत होती है यार, बिकॉज एवरीबॉडी you know everybody is a great artist, you know aap right. koi artist pakad lo koi you know janwaron ki awaaz nikalne mein specialist hai, koi you know somebody is really great at mimicking somebody's voice and you know koi banda ek character you know Mickey Mouse for example 15-16 saalon se kar raha hai, so there are you know voice artists with special talents. Koi you know there's this Meghna Erandi for example voice art, wo 6 mahine ke bacche ki bhi awaaz nikalti hai aur you know 85 saal ki budhiya ki bhi, so you know so there are different artists with like different talents. So hum अक्सर उस मामले में बात होती है कि अरे यार मैंने ये प्रोजेक्ट किया इसमें मुझे ये करने का मौका मिला, यू नो दैट एक्साइट्स अस मोर देन उसने पैसे कितने बनाए. सो आई थिंक टू अ ग्रेट डिग्री जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारी सेटिस्फैक्शन उस प्रोसेस में ना कि फिर वो फिल्म बाहर निकल के क्या होता है उस फिल्म का, बिकॉज
लाइक आई सेड हमारी इंडस्ट्री में रॉयल्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो इट डजंट मैटर कि वो फिल्म बाहर जाके 100 रुपए बनाती है या 100 करोड़ बनाती है। डू यू थिंक इट विल चेंज इन द फ्यूचर, जैसे कि आई रियली होप इट फिल्म बड़ा बिजनेस कर रही है, अगर आप उसकी आवाज दें करेक्ट तो उसका इंडस्ट्री बेटर कर रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली अगर हम साउथ टू हिंदी की बात करें तो द इंडस्ट्री इज डूइंग रियली वेल, नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स बीट कर रहे हैं रेगुलर फिल्म को, तो जिसकी वजह से ज्यादा काम आ रहा है, जिसकी वजह से पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डबिंग का महत्व समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की डबिंग अगर हम करवाएं तो उसका रिजल्ट या आउटपुट या पैसा भी ज्यादा आता है, तो उस हिसाब से फिर बजट्स बढ़ रहे हैं, सो इंडस्ट्री को ज्यादा काम भी मिल रहा है, बजट्स भी ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा OTTs लॉकडाउन की वजह से बहुत राइज हो गए हैं और OTTs पे फ्रेश वेब सीरीज या फिल्म्स का कॉन्टेंट आ रहा है, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स आ रही है, सो ऑल दिस हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू द इंडस्ट्री एंड स्लोली स्लोली यू नो द बजट्स आर इंप्रूविंग, आर्टिस्ट्स आर गेटिंग पेड बेटर। अब रॉयल्टी और परसेंटेज मिलना तो यू नो इट्स लाइक अ be like always a pipe dream, but कोशिश तो उस you know उस लिहाज से ही जारी है, because that should be the ideal thing कि अगर आप कोई project करते हो और वो significantly बहुत अच्छा करता है तो उसके returns trickle down होके सब तक फिर से आ जाएं, then you are motivated even better you know to approach the next project, because आप कोई project करो और वो flop हो जाए then you're like कि unfortunately काम नहीं कर पाया, आप कोई project करो और वो you know 1,000 crore कमा ले या you know 500 crore कमा ले whatever and you're like कि क्या फर्क पड़ा, मैंने तो जितने fees थे उतने दे दिए, अब तो मुझे कुछ मिलने से रहा, so you know maybe that is also one of those reasons कि आप completely cut off हो जाते हो, you might then go out and enjoy that film, मतलब मैं फिर you know आला वैकुंठपुरम TV पर देख के enjoy करूँगा कि अरे हाँ, and unfortunately artists जब enjoy भी करते हैं तब वो अरे यार यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था, तो हमारी enjoyment भी उसी में चली जाती है कि technical mistakes निकालने में, but मैं as an artist मैं enjoy करूँगा, but like I said उस बात करते वक्त हम ज़्यादा thrilled इस बात से होते हैं कि अच्छा तुझे ये चेंज करने का मौका मिला, अच्छा ओ तो तूने यू नो सो यू नो व्हाट डिड यू डू इन टर्म्स ऑफ योर वॉइस करेक्ट, हाउ डिड यू काइंड ऑफ यू नो क्रॉस योर ओन लिमिट्स और व्हाटएवर, गेट आउट ऑफ योर सेफ ज़ोन एंड डू समथिंग दैट एक्साइट्स यू एंड दैट इज व्हाट यू वुड वांट टू स्पीक अबाउट। इतने सालों में ऐसा कौन सा कैरेक्टर रहा या कोई रोल रहा है जो सबसे डिफिकल्ट रहा है एंड व्हाई, एंड आल्सो इफ पॉसिबल उसका डायलॉग अगर बोल पाओ आप तो। कोई एक कैरेक्टर तो खैर ऐसा नहीं रहा जो बहुत डिफिकल्ट रहा है, बट देयर हैव बीन सर्टेन कैरेक्टर्स जो बहुत चैलेंजिंग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जब वो मैं करियर के किस मुकाम पर था जब वो कैरेक्टर आया, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। सो बेन 10 उसमें से एक डेफिनेटली है, देयर इज डेडपूल, सो डेडपूल जब आया था तो कोई अप्रोच नहीं था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे करें, ना राइटर्स को क्लियर आइडिया थी, ना राइटर को क्लियर आइडिया थी, ना डबिंग डायरेक्टर को थी, ना मुझे थी, और हम सब अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और फिर वो आवाज पकड़ना और कंप्लीटली इंडियनाइज करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल वुल्वरीन के बारे में वो बात करता है, बहुत फेमस डायलॉग है कि वुल्वरीन के क्लॉज हैं और यू नो वो क्लॉज से यू नो ही वो मार देता है या व्हाटएवर, उसका कुछ वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे हिंदी में, एंड देन यू नो वी गॉट दिस लाइन व्हिच वाज उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से, सो इट बिकेम लाइक अ कल्ट थिंग एंड यू नो और सो ऐसी चीजें जब करना, तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज ऑफ द स्क्रिप्ट, इट इज नॉट समथिंग यू कैन प्लान, आप सोच के घर से नहीं आ सकते हो यू नो, तो वैसी फिल्म। इसके अलावा एक मार्शियन करके फिल्म की थी मैंने, मैट डेमन की, 3/4 ऑफ द फिल्म वो बंदा अकेला है स्क्रीन पे, कोई नहीं है उसके साथ, वो मार्स पर अटका हुआ है, आलूओं की खेती कर रहा है, यू नो वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, तो थ्रू आउट द फिल्म उसका ग्राफ कमजोरी की तरफ जा रहा है, उसकी आवाज वीक होती जा रही है, फिल्म के एंड में दे जंप टू हिम बीइंग ओल्ड आल्सो, तो उस एक प्रोजेक्ट में ना बहुत कुछ, सेम फिल्म में ही डस्ट खेती फ्रॉम हिज ओन पूल, करेक्ट करेक्ट, सो मार्स पे अटक जाता है, और सो 3/4 ऑफ द फिल्म वो अकेला है, वो कैमरा से बात कर रहा है, अकेले बात कर रहा है, उसको कन्विंसिंग करना हिंदी में यू नो, सो बेन 10 में फॉर एग्जांपल उन सारे एलियंस के टेक्सचर को फिर यू नो रेप्लिकेट कर पाना, अगर आप 2 हफ्ते बाद भी कर रहे हैं तो, सो हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम, ये मेरी निमोनिक लाइन है, ये मैं लाइन याद रखता हूँ, तो जब भी फिर उसके आगे फिर मैं पूरा इंटरव्यू उसी आवाज में कर सकता हूँ, पर वो आवाज याद करने के लिए मुझे ये करना जरूरी होता है, जरूरी होता है, सो इसीलिए सो आई हैव दोस निमोनिक लाइंस जो मुझे याद रखनी पड़ती है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट स्टे विद यू, एंड यू नो इवेंचुअली डाउन द लाइन
I'll remember probably a wale mein because so ye projects aate jaate rehte hain like Brad Pitt ki agar hum baat kare Inglourious Basterds to maine puri film is tarah set up ki hai because puri film mein usne aise hi aawaz di hai so this jaw has to be locked entirely so wo pura project waise kiya gaya tha so ye cheeze yaad rehti hai these are challenges that come koi ek to nahi hai but and that's I'm glad ki koi ek nahi hai चार पांच हैं दस हैं और शायद और ऐसे दस पच्चीस आ जाए आगे एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू नो बीइंग एबल टू डू बेटर एंड बेटर अब मैं डायलॉग बोलूंगा एंड देन साथ में बोलूंगा कि आपको किस इमोशंस में बोलना है बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के बेदाज बादशाह हैं सो इफ यू कैन एंड प्लीज डू ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार शिखर है आपको इसे फनी वे में बोलना है ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार शिखर पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा फ्लावर नहीं फायर है ना रोमांटिक है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा फ्लावर नहीं फायर है मैं क्या बात है सर कितने आदमी थे इना सेडक्टिव है कितने आदमी थे हम तुम में इतने छेद करेंगे ठीक है कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और आधे कहां से इना रोमांटिक में ओके हम तुमने इतने छेद करें ये बहुत वल्गैरिटी की तरफ जाने वाली है लाइन अगर मैं इसे रोमांटिकली बोलूंगा हम तुमने इतने छेद करेंगे कि समझ नहीं पा कि सांस कहां से ले आओ लास्ट वन श्योर सनी देओल का कोई डायलॉग ओह गॉड आपको जो गुस्से वाला है उनका टारगेट फेंक दो वर्दी आपको उनका ये डायलॉग बोलना है ना रोमांटिक पे जैसे कि आप नहीं नॉट रोमांटिक सेडक्टिव As if you're confessing something. उतार के फेंक दो ये वर्दी तो अपने आप में seductive line है यार depend करता है situation के. Exactly. But sir please pass sir if you can. उतार के फेंक दो ये वर्दी. Thank you. Wow. Okay rapid fire. Okay. Sir ये है इसके बाद अगर आप जीतते हैं ठीक है तो we have a hamper for you. Wow. जो हम आपको देना चाहेंगे. बिल्कुल. So but it has to be quick and as मैं कोशिश करूँगा. Full of fire. जी. Who do you like dubbing for? Allu Arjun, NTR, Mahesh Babu. Allu Arjun. Deadpool or Pushpa? Deadpool. Which actor you think your voice suits the best? Allu Arjun. SRK or Salman Khan? SRK. What's more difficult, dubbing for animated content or real films? Real films. Best and worst fan DM on Instagram? Best DM. बहुत सारे होते हैं जो अमूमन आते रहते हैं कि आपका काम पसंद आया या यू नो या किसी कैरेक्टर को आपने किया था वो इतना बढ़िया था कि मुझे वो फिर से करने का यू नो मैंने कोशिश की और अब मैं चाहता हूं कि मैं वॉइस आर्टिस्ट बनूं कि आप किसी को इंस्पायर करें इस फील्ड में आने के लिए दैट्स द बेस्ट वन वर्स्ट वंस ऐसे रहे कि सर आपने ये प्रोजेक्ट क्यों किया सर ये प्रोजेक्ट में ये काम ऐसा आपने ये डबिंग ही नहीं करना चाहिए था ये प्रोजेक्ट ऐसा होना ही नहीं चाहिए था ये राइटिंग ऐसी क्यों थी या ये प्रोजेक्ट में आपको क्यों नहीं लिया गया या उस आर्टिस्ट से क्यों करवाया गया ये सारे वर्स्ट प्रोजेक्ट डीएम्स है क्योंकि इसमें मेरा ना कोई हाथ है ना मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ बट यू आर सेफ आप सेफ हो इस तरह देखो मैं तो नहीं मैं आवाज देता हूँ बस It goes with all the honor. हाथ फैला के खड़ा हूँ मैं कितनी देर रुकोगे? Thank you so much. Yes sir. Thank you so much. मैं अपने माँ-बाप का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. वहीं से शुरुआत करते हैं ना. जी सर. But honestly speaking, I really am thankful to my parents because मैंने ना इंजीनियरिंग की है यार मतलब एक ऐसे फेज में जब या तो आप इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बनो या यू नो व्हाटएवर दैट सारे यही तीन फील्ड्स है बाकी कुछ दुनिया में नहीं रखा है तो वो वाले फेज में मैंने इंजीनियरिंग की थी और मुझे बहुत मैं तब भी थिएटर करता था और क्लासेस से कम रिहर्सल्स में ज्यादा होता था तो इंजीनियरिंग के बाद यू नो डैड ने कहा था कि भले तुम एक साल दो साल ले लो अपने लिए पर उन दो साल के बाद तुम थिएटर करो या साउंड स्टूडियो खोलो या जो भी करो बट दो साल के बाद इतना तो कमा लो कि अपना घर चला सको एंड यू नो वो दो साल का जो सपोर्ट था ना वो बहुत जरूरी था सो आई कंसिडर इट कि आई एम प्रिविलेज दैट वे कि एटलीस्ट यू नो बहुत से लोगों को घर से सपोर्ट नहीं होता बहुत से लोग जो वॉइसिंग करना चाहते हैं उन पर घर की जिम्मेदारियाँ बहुत कम एज से शुरू हो जाती हैं या यू नो नौकरी वगैरह संभाल के फिर वो वीकेंड्स पे कहीं वॉइसिंग या थिएटर करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डटे रहिए यू नो एक लंबा प्रोसेस है ये इसमें मेहनत है मैं समझ सकता हूँ कि आपको घर की जिम्मेदारियाँ संभालते हुए ये करना पड़ रहा है पर अपनी उस नौकरी को तब तक मत छोड़िएगा जब तक आप यू नो एक रिलायबल बेस ना बना लें वॉइसिंग फील्ड में और अपनी उन जिम्मेदारियों को यू नो तब तक जारी रखिएगा जब तक आप यू नो एक अच्छे मकाम तक ना पहुँच जाए और प्लीज़ हैंग इन देयर यू नो
डेफिनेटली सक्सेस आप तक पहुंचेगा, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, और पर ये मुमकिन होता है, ये जरूर मुमकिन होता है. यू जस्ट हैव टू बी पैशनेट एंड यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट. ब्यूटीफुल. बट यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट ऑलरेडी. यू नो, जो लोग सर को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग कैसे होती है, फिर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और जानकारी चाहिए, प्लीज गो एंड फॉलो संगीत महात्रे सर ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पर आपकी एच डी टीवी सीरीज है जी, जहां पर प्लीज बी द पर्सन टू टॉक अबाउट इट. सो बहुत अच्छा. सीरीज का नाम है 3 मिनट्स टू अ बेहतर वॉइस. बेसिकली मैंने जो शुरुआती 4-5 सालों में जो स्ट्रगल किया था, जो समझने की समझने में वक्त लग गया जिन चीज़ों को मुझे वॉइसिंग की शुरुआत में, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या तो जैसा कि मैंने कहा कि घर की जिम्मेदारियां हैं, ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता, या मुंबई में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, या पैसे नहीं हैं, तो क्या करें. सो देन आई स्टार्टेड दिस सीरीज विद एन इंटेंशन कि मैं जो भी उन 4-5 सालों में स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद से जो बातें सीखा वो आप तक पहुंचा दूं उन 3-3 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस से, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, मैं अप्लाई करता हूं अपने काम में खुद. तो शायद यू नो, मेरा जो स्ट्रगल का पीरियड था वो आपका ना रहे, वो कुछ चंद साल आपके बच जाएं, तो आप यू नो, उस इंटेंशन से मैंने वो सीरीज शुरू की थी कि फिर आप चाहें मुंबई के ना हों, फिर आपके पास शायद पैसे ना हों. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने काम में प्रोफेशनली आजमाता हूँ, और यू नो, ये दे वर्क फॉर मी. क्या काम नहीं कर पाया, क्या काम कर गया, ये सारी चीज़ें, ये नुस्खे, कुछ टोटके, वो सब मैंने उसमें इन्होंने डालने की कोशिश की है. मैं उस सीरीज़ को करते रहता हूँ धीरे धीरे शूट, पर उसके बहुत सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ आप यू नो, अगर उससे आपका किसी का भी कोई फायदा हो तो आई एम रियली ग्लैड. सो सर, मेरे दिमाग में एक मिलता है जी, जो जानने की सच है, बिल्कुल, पीपल से दैट व्हेन यू स्मोक तो आपकी आवाज में यार ये मुझे मैं ढूंढ रहा हूँ इस इंसान को जिसने ही अफवाह फैलाई है. तो सच है कि यार बिल्कुल भी सच नहीं है ये चीज. और मैं आई एम ग्लैड कि आपने ये टॉपिक लाया कि बहुत सारे यंगस्टर्स सोचते हैं जो वॉइसिंग में आते हैं. एक तो सबसे बड़ी मिथ ये है कि बेस वॉइस इज एवरीथिंग, बेस वॉइस ना हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता. ये मेरे लिए भी, मेरे भी दिमाग में था सबको अमिताभ की तरह से बात करनी, बट अमिताभ बच्चन के ऐसे हर कोई बात नहीं कर सकता. और अगर किसी फिल्म में हर कोई अमिताभ बच्चन जी की तरह बात करना शुरू करे तो फिल्म में क्या मजा रहेगा. पर यही मुझे कहा गया था जब मैंने ये कोशिश की थी. कुछ वॉइस आर्टिस्ट होते हैं जो सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहां पे भी ये आलू कैसे दिए भैया, ये तो भैया डर के बोलता है जो चाहिए ले लो. बट सो बेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ओम या हमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये धीरे धीरे करने से आपका नेचुरल बेस बढ़ जाएगा. सिगरेट पीने से ये नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसके बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं. सो प्लीज यू नो, अगर आप इफ यू आर एन एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट और आपसे किसी ने कहा है कि सिगरेट पीने से बेस वगैरह बढ़ता है, तो एक तो बेस की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी आवाज की जरूरत है जो आपकी नेचुरल वॉइस है, बस उसे इस्तेमाल कैसे करना है वो सीख लीजिए. और सिगरेट पीने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज. हाँ सही बात है यार, मालूम पड़ा यू नो, पता लगा कि सिगरेट की हैबिट छूटी नहीं और डबिंग छूट गई. वॉइस आर्टिस्ट को कुछ नहीं, कैंसिल लेकर आ गए. एग्जैक्टली. एट द एंड ऑफ इट्स अ लास्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. तो अभी हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए हैं, जैसे कि बाले में कि हमने बात की आला भाई कंटेम्पररी ब्लू आई, और अब इवेंचुअली 3 और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में. सूर्या की अगली फिल्म आ रही है ईटी, जो 10 तारीख को रिलीज होगी, 10 मार्च को. इसके अलावा बैटमैन, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो 4 मार्च को रिलीज हो रही है. और रायन रेनल्स की एक नेटफ्लिक्स फिल्म आ रही है दी एडम प्रोजेक्ट, जो 11 मार्च को रिलीज होगी. सो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, ये जल्द रिलीज होने वाले हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड. मतलब अक्षय कुमार से ज्यादा बिजी आप हो. उम्मीद तो यही है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. प्लीज टेल मी आपको यू नो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टॉकिंग टू अस ऑन वायरल बॉलीवुड. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया. इतना बढ़िया माहौल था, इतनी अच्छी तरह से आपने इंटरव्यू लिया. और ये बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं इंटरव्यू के दौरान भी कह रहा था आपसे, कि आप जैसे चैनल्स अगर यू नो इस इंडस्ट्री को कवर करें, आर्टिस्ट के बारे में जानकारी पहुंचाएं लोगों तक, तो और सही तरीके से जानकारी पहुंचाएं लोगों तक, तो बहुत से लोग इंस्पायर हो सकते हैं इस फील्ड में आने के लिए. और इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने से ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट होगी, बल्कि ज़्यादा काम भी आएगा. यू नो, अ बेटर क्लास ऑफ आर्टिस्ट विल बी क्रिएटेड, एंड यू गाइस विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो आई एम रियली रियली ग्लैड कि आप लोग ये जिम्मेदारी उठाएं. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, दिस इंटरव्यू इज डन ऑन वायरल बॉलीवुड, बट जो सेटअप है इज ऑल ऑर्गेनाइज बाय वायरल फिल्म्स. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू इसी फॉर्मेट में हो, प्लीज रीच आउट टू अस. एंड इफ यू लव दिस इंटरव्यू, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट, शेयर इट, लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जो भी करना है कर लो, पर प्लीज सपोर्ट रियल आर्टिस्ट.
थैंक यू सो मच. दिस इज शिवम शर्मा साइनिंग ऑफ. थैंक यू.